उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर दल पूरी तरीके से जुटा हुआ है। देश की राजनीति का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी की सियासत पूर्वांचल से तय होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब पूर्वांचल में जयंत चौधरी का प्लान बीजेपी के खेमे में खलबली मचा सकता है। जयंत चौधरी के ऐलान से बीजेपी के खेमे में चिंता बढ़ सकती है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए बड़ी राहत वाली बात हो सकती है। लेकिन जयंत चौधरी का ऐसा कौन सा ऐलान है जो चिंताएं बढ़ाने वाली है? दरअसल बीजेपी ने पूर्वांचल से अपने अभियान का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी उसी राह पर दिख रहे हैं। उन्होंने भी पूर्वांचल से आगाज किया, लेकिन अब राष्ट्रीय लोक दल का दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जयंत चौधरी ने पश्चिम में बड़ा ऐलान कर दिया है। जयंत चौधरी का कहना है कि सपा के साथ उनका गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन होता है तो कौन सा दल कितने सीटों पर लड़ेगा ये खास बात नहीं होती, बल्कि सभी सीटों पर साझी लड़ाई होती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे ये तय है, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये नहीं कहा जा सकता। जब गठबंधन होता है तो सभी सीटों पर होता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसानों के मुद्दे पर गठबंधन बीजेपी के खिलाफ आर पार की जंग लड़ेगा। दूसरी ओर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। दोनों ओर से हो रहे दावे के बीच जाट लैंड में इस बार फिर रोचक मुकाबला तय है। साथ ही आरएलडी की मांग है कि गन्ना किसानों का पैसा समय से दिया जाए। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ सपा गठबंधन ने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। इसे ये कहा जा सकता है कि इस बार समाजवादी पार्टी को फिर से पश्चिम में एक बड़ा सहयोगी मिल गया है, जिसने लोकसभा चुनाव भी साथ में लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर जब अगर जयंत चौधरी के किसानों वाले दावे पर गौर करें तो इस क्षेत्र में गन्ना किसानों का मुद्दा भी रहा है। बीते कुछ दिनों से आरएलडी विधायक बीजेपी सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल का दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि हम कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाएंगे, इससे बूथ मजबूत होगा और किसानों और नौजवानों की बात होगी। उन्होंने कहा कि सरकार न तो गन्ने का MSP घोषित कर रही है और न ही फसलों का MSP बढ़ा रही है। फसलों के दाम नहीं मिलने से किसान परेशान है। आरएलडी की मांग है कि गन्ना किसानों का पैसा समय से दिया जाए। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ सपा गठबंधन ने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अब अगर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी उपचुनाव की तरह सपा गठबंधन के साथ बने रहते हैं तो बीजेपी के खिलाफ सपा का एक मजबूत गठबंधन होगा। चंद्रशेखर आजाद ने पहले भी सपा गठबंधन के साथ बने रहने के संकेत दिए हैं। मिशन 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा फोकस फिलहाल पूर्वांचल पर कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव और यूपी निकाय चुनाव से पहले सपा ने जाट, गुर्जर और मुस्लिम संगठन में अहमियत देकर पश्चिमी यूपी की सियासत में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश की है। सपा की सहयोगी रालोद प्रमुख चौधरी जयंत चौधरी भी इसी फॉर्मूले पर लगे हुए हैं। खतौली उपचुनाव में रालोद को इस समीकरण से जीत भी मिली और जिसके बाद उसे और भी मजबूत बनाने में जुट गए हैं। और अब सपा ने पूर्वांचल के सियासी रण जीतने के लिए अलग फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसमें उन्होंने दलित, OBC और अति पिछड़े वर्ग को साधने की कवायद की है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।